नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण प्रसाद आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। आज हमने एक टॉपिक नया टॉपिक करंट अफेयर्स का लिया है, जिसमें 2020 के कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में हमने लिखा है। और ये सूचकांक इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी जो भी करंट एग्जामिनेशन चल रहे हैं उसमें एक साल तक के पुराने सूचकांक को पूछे जाते हैं। तो हमने इस वीडियो में जो भी सूचकांक है उसका कुछ पार्ट यहाँ पे हमने लिखा है और उसके रिगार्डिंग एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा कुछ मुख्य जितने भी सूचकांक होंगे मैं उसको सारा को कवर करूंगा। और उसके बाद फिर 2021 से जितने भी सूचकांक आएंगे धीरे धीरे उस सबका सबका वीडियो मैं बनाते चलूंगा, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2020 के कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक और शुरू करते हैं। पहला सूचकांक है मानव पूंजी सूचकांक 2020, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। अब ये सूचकांक जो है कौन जारी करता है, हमको इसमें तीन चार पॉइंट याद रखना है कि सबसे पूरे विश्व में भारत का क्या स्थान मिला है, क्या रैंकिंग मिला है, उसको क्या स्कोर मिला है और उसके रिगार्डिंग कुछ प्रमुख बात जो होगी वो भी हम देखेंगे। तो ये देखते हैं कि मानव पूंजी सूचकांक कौन जारी करता है। तो ये विश्व बैंक एक संस्था है जो जारी करता है और उसका क्या आधार है जारी करने का, किस आधार को देख करके वो जारी करता है। तो उनके आधार है स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि कितना आदमी जीवित रहता है, कितना दिनों तक जीवित रहता है, स्कूल में बच्चों का नामांकन और चाइल्ड स्टंटिंग, ये चार पैरामीटर को लेकर के वो विश्व बैंक जो है ये रिपोर्ट जारी करता है। अब इसमें देखिए भारत का क्या पोजीशन है, तो टोटल 174 देश की रैंकिंग की गई थी जिसमें भारत का 116 पोजीशन मिला है, 116वां स्थान मिला है। उसमें भारत का स्कोर क्या था, तो 0.49। अब इसमें स्कोर जो दिया जाता है 0 से लेकर के 1 के बीच में स्कोर दिया जाता है, 0 से जिसका स्कोर ज्यादा रहेगा वो ज्यादा अच्छा सूचकांक उसका माना जाएगा, जिसका कम स्कोर रहेगा उसको सूचकांक उसको कम स्कोर जिसका कम स्कोर रहेगा उसको खराब सूचकांक माना जाएगा। तो भारत का एक स्कोर जो है 174 देशों में 116वां स्थान मिला है और भारत को 0 से 1 के बीच में 0.49 मिला है, जबकि सिंगापुर को पहला स्थान मिला है और उसका 0.88 स्कोर था। अब ये जो सूचकांक है मानव पूंजी सूचकांक ये 2018 में शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है। अब देखिए मानव, उसका नाम है मानव पूंजी सूचकांक, तो मानव को एक पूंजी की तरह, हमारा भी मानव जो हमारे देश का है या पूरे वर्ल्ड का मानव है वो एक तरह से पूंजी की तरह है क्योंकि वो ही हमारे लिए सारा सुविधाओं ये सारा सेवाओं को सृजन करता है। अगर वो नहीं रहेगा तो हमारे लिए सारी सुविधाएं सृजन नहीं हो पाएंगे। इसीलिए तो हम कहां से शुरू करेंगे, तो बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा बच्चों पर ध्यान दिया जाता है कि वैसे प्रयास है कि बच्चों अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग कर सके, बच्चों की इस तरह से स्कूल में एजुकेशन मिले कि वो आगे चलकर अपनी पूरी क्षमता का उपयोग अपने देश के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए कर सके। और ये कोविड-19 के कारण जो इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के कारण लगभग 100 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हो गए और 6 महीने स्कूल नहीं जा पाए। ये हमारे मानव पूंजी सूचकांक के विषय में है। अगला सूचकांक आइए देखते हैं, वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। इसमें क्या है, इसको कौन जारी करता है, संगठन इसे क्या है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ, ये दोनों का संयुक्त रिपोर्ट जो होता है, ये दोनों का संयुक्त रिपोर्ट जो है वही हमारा। अब इसमें इसका क्या क्या पैरामीटर है, इसका पैरामीटर है चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टलिटी, अंडर नॉरिशमेंट, चाइल्ड। अब ये बार बार आप करेंगे चाइल्ड स्टंटिंग क्या है, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग में क्या, तो अगर आप देखते होंगे कि बच्चों को उम्र के हिसाब से बच्चे का हाइट नहीं बढ़ता है तो वो चाइल्ड स्टंटिंग दोष हो जाता है, फिर लंबाई के हिसाब से बच्चों का अगर वजन नहीं बढ़ता है तो वो चाइल्ड वेस्टिंग में आता है, चाइल्ड मोर्टलिटी माने बाल मृत्यु दर कितने बच्चे मर जाते हैं, और अंडर नॉरिशमेंट माने अल्पपोषित कितने बच्चे रहते हैं। तो ये चार पैरामीटर है जिससे लेकर के ये ऑर्गेनाइजेशन वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी करता है। अब देखिए इसमें भारत का क्या पोजीशन है, तो भारत 107 देशों का टोटल रिपोर्ट जारी किया गया था जिसमें भारत का 94 पोजीशन है और एक बेलारूस है उसका सबसे अच्छा स्कोर रहा है 5।
अब इसमें भारत का 94 पोजीशन तो है, लेकिन रैंक क्या है तो 27.2, 1 से 100 तक इसका स्कोर दिया जाता है, उसमें इसका जो पोजीशन है वो 27.2 है, जो कि एक सीरियस श्रेणी में रखा गया है कि बहुत ही ये सीरियस है। इससे अच्छा हमारे देश में जो है नेपाल, हमारे देश से अच्छा जो है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश का पोजीशन बेहतर है। हमारी स्थिति वैश्विक भूखमरी सूचकांक में इन देशों से भी नीचे है। जीरो जीरो का मतलब होता है अगर 0 से 100 तक इसका स्कोर दिया जाता है तो जिस देश को 0 दिया जाता है उसमें भूखमरी नहीं है, और जिसको 100 स्कोर दिया जाता है उसमें बेहद भूखमरी है। भारत में स्टंटिंग रेट, वही बच्चों की जो उम्र के अनुसार से लंबाई बढ़ने का जो रेट कम है वो 37.4 है, यानी कि 100 में से 37.4 बच्चे का हाइट अपने उम्र के हिसाब से प्रॉपर नहीं बढ़ पाते हैं। 2019 में जबकि ये रैंक जो दिया गया था भारत को 102 रैंक दिया गया था, जिसमें 117 देशों का टोटल रिपोर्ट जारी हुआ था, और 2018 में 119 देशों में से 103वां स्थान भारत को मिला था। और ये रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट जो दिया है उसके अनुसार ये कहा गया कि 14% जो अभी इंडियन है वो अंडर नॉरिशमेंट है, मतलब वो अल्प पोषित है। 14% 100 में से 14 जितने भी भारतीय हैं वो अल्प पोषित है, ये वैश्विक भूखमरी है। अब तीसरा देखते हैं हम, तीसरा है कि मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। अब इसमें इसका जारी करता संगठन कौन है तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो ये संस्था है वो इसका जारीकर्ता संगठन है, वो किस आधार पे इसको देता है। अब देखिए दोस्तों कि क्योंकि मानव विकास सूचकांक है तो मानव का विकास कैसे हो सकता है, उसके पास पूंजी हो, पूंजी होगा इसका क्या मतलब हुआ कि उसके पास क्रय करने की शक्ति, किसी चीज को खरीदने की शक्ति ज्यादा हो, और उसको खरीदने की शक्ति ज्यादा होगा मतलब देश के पास खरीदने की शक्ति ज्यादा होगा। तो जो UNDP है वो PPP माने परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे ये रैंक जारी करता है, और इसमें UNDP ने कहा है कि PPP के आधार पे भारत का जो GNI है, ग्रॉस नेशनल इनकम, सकल राष्ट्रीय आय है, वो 2018 के मुकाबले 2019 में घट गई है। 2018 में कितना था, $6,829, और 2019 में है $6,681, तो ये जो है घट के रह गया है। और इसमें भारत का जो पोजीशन है, 189 देशों का रैंकिंग जारी किया गया था उसमें भारत को 131 पोजीशन मिला गया था, जो पिछले साल 2019 में 129 थे, तो वो 2 पायदान पीछे हिसल गया है, और नॉर्वे जो है उसको फर्स्ट स्थान मिला है। इस बार जो है मानव विकास सूचकांक में एक नया पैरामीटर जोड़ा गया है, उसको गणना के लिए एक नया मैट्रिक जोड़ा गया है, जिसमें जो गणना किया जाता है जीवाश्म ईंधन धातुओं और वस्तुओं का निर्माण करना, जीवाश्म ईंधन और वस्तुओं धातुओं का जितना निर्माण वो देश निर्माण कर पाता है तो उस देश का डेवलपमेंट सूचकांक और अच्छा जाएगा। उद्देश्य अब ये UNDP का उद्देश्य क्या है इसको जारी करने का, इसका उद्देश्य है देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का आकलन करना है। हमारे जो विश्व के हर देशों में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, उसका जीवन स्तर कैसा है, शिक्षा व्यवस्था कैसा है, उसका आकलन करना और उसमें लगातार सुधार करने के लिए क्या प्रयास किया जाएगा, उसके लिए ये UNDP ये सूचकांक जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जो लड़कियों का स्वास्थ्य है या लड़कियों जो है वो अल्प पोषित है लड़कों के मुकाबले, और इसका ये कारण बताया है कि माता पिता का व्यवहार और जलवायु परिवर्तन के कारण लड़कियां जो है भारत में लड़कों से ज्यादा अल्प पोषित है। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट सूचकांक के बारे में। अगला सूचकांक है मानव स्वतंत्रता सूचकांक, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। इसको जो जारी करता ऑर्गेनाइजेशन है वो काटो इंस्टीट्यूट अमेरिका के और फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा के, ये दोनों का संयुक्त रिपोर्ट जारी होता है मानव स्वतंत्रता सूचकांक के लिए। इसका आधार क्या है, किस आधार पे ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट जारी करता है, तो आधार है कि निजी नागरिक या आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पे, निजी नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता के 76 इंडिकेटर्स के आधार पे इस मानव स्वतंत्रता सूचकांक को ये दोनों इंस्टीट्यूट जारी करते हैं। इसमें भारत का जो पोजीशन है वो 162 देशों में 111वां पोजीशन है, जबकि 2019 में भारत का 94वां पोजीशन था, जो कि 17 पायदान अब की बार नीचे चला गया है भारत।
स्कोर स्कोर इसमें जीरो से लेकर के दस तक का स्कोर दिया जाता है। दस जिसका स्कोर दिया जाता है जिसको वो ज्यादा सुगमता का स्कोर है, और जिसको जीरो मिलता है वो कम सुगमता का स्कोर है। न्यूजीलैंड को सबसे ज्यादा इसमें फर्स्ट स्थान मिला है। अच्छा, ये 2008 से ये रिपोर्ट में कहा गया है कि 2008 से दुनिया भर में निजी स्वतंत्रता में काफी गिरावट आई है। अब हम आगे देखते हैं भारत नवाचार सूचकांक। ये जो सूचकांक है वो भारत के परस्पेक्ट में है। एक ग्लोबल नवाचार सूचकांक दिया था, वैश्विक नवाचार सूचकांक, यहाँ पे हम भारत नवाचार सूचकांक देखते हैं 2020 जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें इसका क्या आधार क्या है नीति आयोग का जारी करने का? तो इनोवेशन मतलब क्या, नया कुछ, नया आइडिया, नया उत्पाद का निर्माण करना या नया नया सेवा का निर्माण करना। तो इसी आधार पर नए उत्पाद प्रक्रिया या सेवा का निर्माण, विकास और कार्यान्वयन करना। जो स्टेट इस तीनों चीज में ज्यादा आगे है उसको फर्स्ट स्थान पे दिया गया है। तो कर्नाटक को इसका जीरो से लेकर 100 तक का स्कोर दिया जाता है। कर्नाटक जो है 42.5 के स्कोर के साथ सबसे पहले स्थान पर है, और बड़े राज्यों में कर्नाटक सबसे पहले स्थान पे है, जबकि बिहार बड़े राज्यों में निचले स्थान पे है। केंद्र शासित प्रदेशों में हम अगर बात करें तो दिल्ली को पहला स्थान मिला है, और उत्तर पूर्वी बाहरी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान मिला है। इस नीति आयोग इस इनोवेशन सूचकांक को जारी करने के पीछे उसका उद्देश्य यह है कि इससे राज्यों की क्षमता, प्रभाव, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बढ़ाना है। जो प्रतिस्पर्धा एक दूसरे राज्य आपस में करेंगे इससे जो दोनों को लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने की जो चाहत होगी उससे एक दोनों राज्य आपस में लाभान्वित होंगे। इसी कारण से नीति आयोग ने ये सूचकांक जारी किया है। नेक्स्ट वीडियो में आगे और भी कुछ सूचकांक है वो हम देखेंगे। तब तक आप, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप उसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट है और अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ये रिप्लाई कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को ताकि उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय।